शहर में चोरियों का सिलसिला जारी है। अज्ञात चोर लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सोने मकानों तथा दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अब तक चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण चोरों के हौसले बुलंद है। अज्ञात चोरों ने रविवार रात को शहर के चर्च रोड स्थित गणपति जनरल स्टोर में छत के रास्ते से प्रवेश किया और दुकान के गले में रखी 35,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। दुकानदार को चोरी की वारदात की जानकारी सोमवार सुबह दुकान पहुंचने के बाद हुई। दुकान में घुसे अज्ञात चोरों ने दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। जानकारी के बाद पीड़ित दुकानदार विजय कुमार पंजाबी ने सिटी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़ित दुकानदार विजय कुमार पंजाबी ने बताया कि रविवार रात को करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर चला गया था। सोमवार सुबह जब वह दुकान पहुंचा तो पाया कि दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और गल्ला टूटा हुआ है। गले को देखने पर पाया कि गले से 35,000 रुपए की नकदी गायब है। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने छत पर लगे गेट को तोड़कर भीतर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर नकदी चुरा कर फरार हो गए। पीड़ित विजय कुमार पंजाबी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व भी दुकान पर चोरी हुई थी। उस समय भी पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र ही चोरी की वारदात का खुलासा कर अज्ञात चोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। सर, मैं रात में यथावस्थ अपनी दुकान 9 बजे जैसे बढ़ा के जाते हैं, उस समय मैं रात को 9 बजे बढ़ा के गया। शटर वगैरह ढंग से अच्छी तरह लॉक करके गया था। सुबह आया तो गल्ला पैसे वगैरह सब बिखरे हुए मिले, सामान वगैरह सब बिखरा हुआ था। मुझे डाउट हुआ कि रात को कुछ गड़बड़ हुई है। ऊपर जाके देखा तो गेट टूटा हुआ था और सर इस प्रकार चोरी हुई है मेरे कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये की। और सर 2 साल पहले भी चोरी हुई थी, उसकी मैंने कंप्लेन कराई है, उसका भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला है।